one shawarma. Oh, I mean, as if you come as a plate. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग फ्रॉम दोहा। और अभी हम जा रहे हैं मैच देखने के लिए। और मैच कौन सा है, कौन से स्टेडियम में देखेंगे, ये मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में। अभी पहले चलेंगे कहीं, कोई जगह ढूंढेंगे खाने के लिए, शायद सूख वाकफ जाएँ। और आप ये पीछे देखें कि मैच जो है वो स्टार्ट हो गया है यूरोगुए का और घाना के साथ। वो लोग देख रहे हैं, यहाँ बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। लेकिन अभी हम यहाँ से लेंगे बस और बस के ज़रिए जाएंगे पहले मेट्रो में और मेट्रो से फिर आगे जाएंगे। मेट्रो मेट्रो वेयर आउटसाइड द एक्सक्यूज मी जी, ये पायोरी मिले ने अपने अमृतसर को, ठीक है। और बड़ी खुशी हुई इन्होंने मिलके, क्योंकि अपने पंजाबी पुराने पंजाबी बोल के बड़ा मज़ा आया, बड़ा स्वाद आया। सुनाओ जी, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया जी भाई। ये भी सऊदी अरब तो आए ने, जिस तरह मैं मैच देखने आया, ये इतने ड्यूटी पे आए ने। तो कैसा जी निज़ाम है इतने? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, ज़बरदस्त जी। की नाम है भरा दा? मलकी सिंह जी। मलकी सिंह, मेट्रो स्टेशन पहुँचे हैं और बहुत ही लंबी लंबी लाइनें, बहुत ऊपर ऊपर से घुमा के लेके आ रहे हैं। ये क्राउड मैनेजमेंट भी है और थकाने के लिए भी एक ये कह सकते हैं कि ज़रिया बना हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा है कि मेट्रो तक पहुँचते पहुँचते बंदा थक जाता है। एनी हाउ, इट्स लुक्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मेट्रो स्टेशंस और मेट्रो लाइंस, फैसिलिटीज़ बहुत आला है। जी आप देख रहे हैं, ये है मशरिफ डाउनटाउन का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से बेसिकली दो जो लाइंस हैं वो क्रॉस होती हैं। अभी हमें लेनी है गोल्ड लाइन, जो कि लेके जाएगी हमें सूख वाकिफ, और वहाँ से फिर आगे हम स्टेडियम की तरफ भी उसी लाइन के ऊपर से जा सकते हैं। जी अभी हम आगे हैं सूक वाकिफ में, और आप ये देखें बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल सूक है। इसकी हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे अपने एक किसी अलग व्लॉग के अंदर। बहुत ही खूबसूरत, और इस वक्त ये पूरे जो फेस्टिवल है वर्ल्ड कप का, उसका एक सेंट्रल हब बन चुका है। यहाँ हैं सारे फूड एरियाज, डिफरेंट खाने की ऑप्शन है, लोग यहाँ बैठे शीशा वगैरह एंजॉय कर रहे हैं और खाना वगैरह खा रहे हैं। अभी मैंने एक बाइट लिया, टेस्ट किया है, बस सो है। इसको हम बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं कह सकते, जिस तरह से ये जिस जगह पे ये है इनका रेस्टोरेंट, उस हिसाब से उसके साथ जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन खैर, जो मिल जाए इस टाइम पे वो काफ़ी है। इस वक्त टाइम शॉर्ट है और जल्दी से हमें जाना है मैच के लिए, लेट हो रहे हैं। अभी खाते हैं इसको और पेट भरते हैं और फिर भागते हैं मैच की तरफ। जी हम पहुंच गए हैं स्टेडियम में और
947 स्टेडियम बहुत ही फेमस, जो जैसा कि मैंने अपने एक व्लॉग में इसके बारे में सारी जो डिटेल्स थी वो शेयर की थी। सारा जो स्टेडियम है कंटेनर्स के ऊपर बनाया गया है, इसमें 974 कंटेनर यूज़ किए गए हैं और 974 यानी 974 कतर का डायलिंग कोड भी है और उसी वजह से स्टेडियम का नाम 974 है। ये आप सामने स्टेडियम का व्यू देख रहे हैं, आपको मैं करीब से भी दिखाता हूँ कि कैसे कंटेनर्स के ऊपर इसका मेन स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इस पूरे के पूरे स्टेडियम को इस वर्ल्ड कप के बाद यहाँ से हटा दिया जाएगा, रिमूवेबल है ये। और कतर का जो प्लान है वो ये कि किसी लेस डेवलप्ड कंट्री को ये एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। और आज का मैच जो है इसमें है स्विट्ज़रलैंड वर्सेस सर्बिया। ये मैच हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि ये टूर्नामेंट के बिल्कुल मिडल में है, इस वक्त फुल पीक पे है अब पूरा वर्ल्ड कप का जो फेस्टिवल है, और कल से नॉकआउट जो मैचेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये मैच लास्ट मैचेस में से है जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं जी। सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद हम पहुंच गए हैं स्टेडियम के बिल्कुल पास और मैच जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। अभी चलते हैं जल्दी से अंदर और फिर अंदर से जाकर आपको दिखाते हैं। हाफ टाइम हो गया है मैच का और क्या गर्मा गर्म गेम थी। दोनों टीमों ने दो दो गोल किए, कभी एक टीम का पलड़ा भारी होता था कभी दूसरी का, क्योंकि ये डू एंड डाई मैच है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जो भी जीतेगा वो आगे लिए क्वालिफाई करेगा। अभी म्यूजिक चल रहा है। दूसरा हाफ जो है वो शुरू हो गया है और उम्मीद है कि बहुत ही गर्मा गर्म होगा दूसरा हाफ भी। दोनों टीमें पूरा जोर लगा रही हैं, क्राउड पूरा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं दोनों टीमों के जो शायकीन हैं। यहाँ काइंड ऑफ मिक्स सपोर्टर्स हैं, इंडियन है मोस्टली या हम हैं जैसे बैठे हुए हैं हम न्यूट्रल सपोर्टर हैं, जिसका भी गोल होता है हम जो है ना वो चीयर करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, कतर को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को सपोर्ट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए हैं। और अभी देखते हैं हम सेकंड हाफ और लेट्स सी कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम क्वालिफाई करती है नेक्स्ट राउंड के लिए। जी व्यूअर्स, मैच ख़त्म हो गया और स्विट्ज़रलैंड मैच जीत गया है, आगे वो क्वालिफाई भी कर गया। बहुत हल्ला गुल्ला था, बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैच था, दोनों टीमों ने पूरा ज़ोर लगाया और बहुत सारे गोल हुए, जो एक एज ए स्पेक्टेटर बंदे को होता है कि आप वहाँ जा रहे हैं मैच में तो गोल होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बोरिंग हो जाता है। तो 5 गोल हुए तो इट वॉज सो एक्साइटेड। में खिलाड़ियों की आपस में लड़ाई भी हुई, शायकीन की भी आपस में लड़ाई हुई। अभी इस वक्त पीछे पार्टी चल रही है, जो लोग जीते हैं उनकी पार्टी चल रही है, जो लोग नहीं जीते हमारी तरह ऐसे आए हुए थे उन लोगों की भी पार्टी चल रही है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया और आपको भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस व्लॉग को बंद करने से पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अक्सर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक का बटन प्रेस नहीं करते,
तो आप प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन प्रेस किया करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मेरे वीडियोज़ आप देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।